कृषि फसलों में सोयाबीन एक ऐसी कृषि फसल देखने को मिल रही है इस बार कि घरेलू मार्केट में तो भले ही दाम एक सीमित दायरे में हो, लेकिन विदेशों में जबरदस्त उछाल आ रहा है सोयाबीन की कीमतों के अंदर। अगर कल ही की बात लें तो 2012 में सोयाबीन ने जो $18 प्रति बुशल का हाई लगाया था, उसी के लगभग इर्द गिर्द ही सोयाबीन के जो प्राइसेस हैं वो ट्रेड होते हुए दिखे थे। तो आपको क्या लगता है, ये जो सोयाबीन में यहाँ पे इतनी जोरदार उछाल आ रहा है तो क्या यहाँ से कीमतें बढ़ेंगी या फिर यहाँ से कुछ खतरा है और अभी दूर रहना चाहिए? देखिए, कल यदि हम इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो ऑयल सीड जो सोयाबीन है उसके 10 साल के उच्चतम स्तर दिखा दिए थे और वो बीच भी हो गया था। और यही चीज आपको याद हो जो सरकार ने सोयाबीन और सनफ्लावर ऑयल का इंपोर्ट करने की डील लाख टन की कही थी, तो आप ही के शो में हमने ये कहा था कि महत्वपूर्ण ये रहेगा कि जब सोयाबीन के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कम है और आपको भारतीय किसान सोयाबीन आपकी एमएसपी पे देने को तैयार नहीं है, उनको पट्टे में नहीं आता है, तो आप अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से ऐसे सोयाबीन क्यों नहीं खरीदते हैं जी? और वो सोयाबीन आप खरीद के अपना बफर स्टॉक बनाइए और जब सोयाबीन के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में तेज होते हैं तो आप इसको रिलीज कर दीजिए, तो प्रॉब्लम कहाँ है? लेकिन होता यह है कि जैसे ही ये मैंने आपको यही कहा था कि भारत ऑयल सीड का नेट इंपोर्टर है, सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है वर्ल्ड के अंदर, तो आप जब आप इंपोर्ट कर रहे हैं पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर हैं तो आपके बढ़ाने और घटाने से क्या प्रभाव पड़ेगा? और ये चीज अभी भी नहीं था, जनवरी के महीने में भी आपको याद हुआ था जब बाजार में एकदम से गिरावट आ गई थी 1020 के आसपास का रिफाइंड सोया आ गया था, तब भी हमने कहा था कि धैर्य रखना चाहिए, इसको वेट एंड वॉच की पोजिशन करनी चाहिए क्योंकि बाजारों में जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में के जो दाम है वो निर्भर करेंगे भारतीय बाजारों के आधार पर भी। लेकिन यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर डिमांड एंड सप्लाई का खेल सबसे अधिक माना जाता है उसको देखते हुए मुझे लग नहीं रहा था कि इसमें हो, और यही स्थिति अब दोबारा हो रही है। तो सोयाबीन के जो दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बढ़े हैं और उसका असर यदि आपने देखा होगा पिछले 3-4 दिन के अंदर सरसों के अंदर भी शानदार तेजी बन गई थी जी। सरसों क्योंकि ऑयल सीड के अंदर जो है वो शानदार तेजी सरसों की भी बन गई है और सोयाबीन के जो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय बाजारों पर पड़ेगा। देखिए, उसका सिर्फ कहना यह है कि मानसून जो है सबसे पहले केरल को टच करता है और आते आते 16 साल में लग जाता है जी। लेकिन यदि केरल के अंदर अच्छा मानसून आया हुआ है तो मध्य भारत उत्तर भारत में बरसात आएगी। उसी तरह से यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर सोयाबीन की दाम उच्चतम स्तर पर है तो दूसरी तरह आपका जो भारतीय रुपया वो लगातार अमरीकी डॉलर के खिलाफ बहुत कमजोरी दिखा रहा है, 78 रुपए का लेवल हो गया है। ऐसी स्थिति के अंदर आप कैसे, आप जो भी इंपोर्ट करोगे आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, आपको अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के नियम के हिसाब से भावों के हिसाब से आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा, तो आप अपने दाम कितने घटाओगे, कौन जो ये डिस्टेंस का पैसा होगा वो कौन बियर करेगा, वो कौन बियर करेगा, ये एक बड़ा सवाल है। क्या उसमें सब्सिडी सरकार देने को तैयार है? क्या इंपोर्टर अपना मार्जिन घटाने को तैयार है? कि सरकार इसके ऊपर काम कर रही है, ये बधाई मार्केट टाइम्स टीवी की पूरी टीम को है और पूरे दर्शकों को है क्योंकि उन्होंने भी पूरे ध्यान से और शिद्दत से हमारी चीज सुनी। हमने यही कहा था कि आपको याद होगा कि एमएसपी और एमआरपी के अंदर बीच में कॉम्बिनेशन होना चाहिए। यदि एमएसपी जब सोयाबीन के भाव या ऑयल सीड्स के भाव बाजार में कम होते हैं तो एमआरपी कैसे बढ़ी रह सकती है, इसके ऊपर भी कंट्रोल होना है। अभी खबरें निकल के आ रही है इसके ऊपर भी सरकार कुछ कदम उठा सकती है, इससे डायरेक्ट फायदा कंज्यूमर्स को होगा, उपभोक्ता का होगा। और ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि जो मझोले व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी हैं या छोटे किसान हैं, उनको कभी भी सोयाबीन की तेजी का पूरा फायदा मिलता ही नहीं। पूरा फायदा जब यह है कि जब फसल का टाइम आता है, जब सारे रिस्ट्रिक्शन हैं
और जैसे ही फसल का टाइम निकल जाता है रिस्ट्रिक्शन इजी हो जाते हैं, ताकि जिसने माल नीचे लेवल पे खरीद लिया या इंपोर्ट कर लिया वो एंजॉय करता है, बाकी धीरे धीरे रेट बढ़ जाते हैं। और उसका नुकसान ये रहता है कि ना किसान को फायदा हुआ ना उपभोक्ता को फायदा हुआ, और फायदा कौन ले जा रहा है वो आपके सामने है। तो हमारा कहना सिर्फ इतना सा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के आधार पर ही ऑयल सीड्स के दाम भारत के अंदर गवर्न करें, रास्ता नहीं है, कोई समझदारी नहीं है। जब तक कोई सरकार कुछ बहुत बड़ी सब्सिडी या कुछ ऐसी घोषणा कर दे कि ये जो इसका दाम का फर्क ये खर होगा तो फिर हो पाएगा, अन्यथा हो नहीं सकता। देख लीजिए, आई होप कि आई हैव मेड इट वेरी क्लियर, वेरी स्पेसिफिक स्टेट वर्ड्स। देख लीजिए जी।